हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन और मैं हूं डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन और हम डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं न्यू दिल्ली इंडिया से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, यहां पे हम बात करते हैं स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और आपको देते हैं अच्छी टिप्स ताकि आप अपनी स्किन और हेयर को अच्छे से रख सको। क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट विंटर स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। हम आपको फ्रिजी हेयर के बारे में कुछ बताएंगे, हम आपको ड्राई स्किन के बारे में कुछ बताएंगे और ऑयली स्किन को कैसे मैनेज करना है विंटर्स में, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। विंटर्स में स्किन और हेयर पे खास प्रेशर रहता है, स्किन भी ड्राई होती है, हेयर भी ड्राई होता है, और कैसे हम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं इस विंटर्स में और आप ग्लोइंग स्किन कैसे रख सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो होता है समर से विंटर्स में, जो बहुत लोगों को तकलीफ देता है बट हम उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है बॉडी स्किन। हम सबकी बॉडी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, हम वुलन्स पहनते हैं जिसकी सिंथेटिक फैब्रिक भी हमारे पानी को और कम करती है स्किन में। कौन सा प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे? तो ये डॉक्टर अंकुर का फेवरेट प्रोडक्ट है और इसका नाम है सेटाफिल प्रो यूरिया 10%। जनरली ये सेंसिटिव स्किन को भी बहुत अच्छा सूट करता है। बिल्कुल हाइलुरोनिक एसिड की तरह यूरिया में भी बहुत अच्छी क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है टू कैप्चर एंड होल्ड मॉइस्चर, और ये काफी हाइड्रेटिंग होता है, क्रीम बेस्ड होता है और सेंसिटिव स्किन को भी अच्छा सूट करता है। इस मॉइस्चराइजर की खास बात है कि अगर आप इसे सुबह भी लगाते हैं हल्के गीले शरीर पर, टॉवल ड्राई स्किन जिसको बोलते हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइजेशन देता है। इनफैक्ट इवनिंग तक कई बार या आफ्टरनून तक आपको दोबारा मॉइस्चर करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद आप इसको रात में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी स्किन पे ये एक अच्छी परत बना देता है और लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देने के लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। यूरिया हम कई बार यूज़ करते हैं हैंड्स और फीट में भी क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे एल्बोज काफ़ी रफ़ होते हैं तो उसमें भी हम ये प्रोडक्ट देते हैं, नीज रफ़ होती हैं उसमें भी हम ये प्रोडक्ट देते हैं बिकॉज यूरिया बहुत सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को। तो ये प्रोडक्ट आप इस विंटर ज़रूर ट्राई कीजिए। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, और पुलअप्स पुशअप करते हैं तो यहाँ पे जो आपके कैलसेस बन जाते हैं, थिक बन जाते हैं, और या फिर अगर आप नंगे पैर बहुत चलते हैं तो आपके पैर में फिशर्स हो जाते हैं, या फिर आप स्टिलेटोज या हाई हील्स पहनते हैं तो आपके पैर में फिशर्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर किसी को है, यानी कि ड्राई स्किन की बीमारी है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है अगर आपको ड्राई स्किन से छुटकारा चाहिए तो। अब ड्राई बॉडी स्किन से हम मूव करते हैं ड्राई फेशियल स्किन पे। हमारी स्किन की त्वचा अगर रूखी हो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है बिकॉज खिंचा खिंचा फील होता है, कुछ भी प्रोडक्ट लगाओगे तो आपकी स्किन पे दिखेगा, चाहे वो मेकअप हो चाहे वो सनस्क्रीन हो। इसीलिए फेशियल स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब आपकी फेशियल स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होती है तो उसके फाइन लाइंस का अपीयरेंस भी कम होता है। तो अब डॉक्टर अंकुर और मेरी स्किन टाइप बिल्कुल अलग है, मेरी स्किन है ऑयली और डॉक्टर अंकुर की स्किन है ड्राई, तो हम दोनों अपने अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर्स आपको बताएंगे। तो मेरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है और मैं अपनी स्किन के लिए यूज करती हूँ बायोडर्मा का सीबियम हाइड्रा मॉइस्चराइजर। ये एक नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर है, इसीलिए चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आप यूज कर सकते हो और ये काफी थिक मॉइस्चराइजर है। बट इस मौसम में क्योंकि हमें अच्छा हाइड्रेशन की जरूरत है, आई यूज दिस प्रोडक्ट। और अगर मैं सुबह इसे नहीं लगाना चाहूँ क्योंकि काफी लेयरिंग हो रही है स्किन पे, तो मैं रात को इसे अपने सीरम्स के ऊपर जरूर लगा के सोती हूँ। जब भी मुझसे कोई कहता है कि मेरे को एक मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर दो और मुझे डाउटफुल होता है कि कौन सा मॉइस्चराइजर मैं उसे दूं, तो बायोडर्मा सीबियम हाइड्रा एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मल में भी, ड्राई में भी, ऑयली स्किन में भी, एक्ने प्रोन स्किन में भी। बायोडर्मा सीबियम हाइड्रा एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, थोड़ा प्रीमियम रेंज का है बट अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्किन केयर एडिशन होगा विंटर्स के लिए। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन के लिए डॉक्टर अंकुर एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम उनसे समझते हैं। तो एफाटॉप हाइड्रा जेल है ये। एफाटॉप हाइड्रा जेल में सेरामाइड्स हैं और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं आप उसके नीचे लगा सकते हैं ताकि ये आपको हाइड्रेशन दे। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो अपने से कई ज़्यादा टाइम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। सेरामाइड जो होते हैं वो आपके स्किन के नेचुरल बैरियर में इंटीग्रेट कर जाते हैं और एक बैरियर प्रॉपर बना देते हैं ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो लॉस ना हो। तो ये डबल आप मॉइस्चराइजेशन कर सकते हो। ऑल्सो एफाटॉप जेल में थोड़ा सा शाइन है, तो अगर आपको थोड़ी ड्यूई शाइनी स्किन पसंद है तो उसके लिए भी आप इसको
अपने मॉइस्चराइजर के नीचे लगा सकते हो। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें 5% हाइलुरोनिक एसिड होता है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस। तो इस हाइलुरोनिक एसिड जेल को आप अपने मेन मॉइस्चराइजर के नीचे लगाइए, जिससे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन मिल सकती है। अब चलते हैं मेरी फेवरेट सनस्क्रीन की तरफ, जो है एक्लिप्स सोलेयर। ये एक ऐसी सनस्क्रीन है जो पिछले 3 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये सनस्क्रीन। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी नई पैकिंग आ गई है और ये पैकिंग और ज्यादा स्मार्ट लगती है मुझे। और ये प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल या ऑयली स्किन है, तीनों में आप यूज कर सकते हो। और ज्यादा इसमें आपको हीट और आंखों में जो सनस्क्रीन चली जाती है पसीने के साथ, वो वाली जलन, वो सब आपको नहीं होगी। स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही आइडियल सनस्क्रीन है, बच्चों के लिए आइडियल है क्योंकि प्योरली फिजिकल है, तो आप इसको यूज कर सकते हो बच्चों में भी, क्योंकि काफी सारी स्टडीज में भी ऑक्सीबेंजोन के अगेंस्ट आ रहा है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनमें भी आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो फिजिकल सनस्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए, तो उस केसेस में बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट ये है, इसमें फिजिकल सनस्क्रीन होने के बावजूद इसमें ना ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है, तो जिंक ऑक्साइड 25% है इसमें और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है। ये मेरी बिल्कुल फेवरेट सनस्क्रीन है और ये भी मोस्ट स्किन टाइप्स को सूट कर जाती है। अच्छी बात यह है सनस्क्रीन में, जैसे आप बता रहे थे कि फिजिकल सनस्क्रीन होने के बावजूद इसमें वाइट कास्ट नहीं है और इसका थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है। बहुत सारी फिजिकल सनस्क्रीन एक मैट फिनिश देती हैं जो हमें वाइट कास्ट का अपीयरेंस देता है। एंड आई हैव ट्राइड दिस प्रोडक्ट कभी कभी मॉर्निंग में, जब मैंने जैसे बताया पहले कि मुझे मॉइस्चराइजर नहीं लगाने का मन करता है, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली सनस्क्रीन को लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा विद दैट बिट ऑफ हाइड्रेशन आई गेट इन द मॉर्निंग। दो और एडवांटेज है इसमें, एक उसमें ब्लू लाइट फिल्टर है और दूसरा ये वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, तो आप इसको डेफिनेटली अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो। हर विंटर्स गर्ल्स का सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होता है फ्रिज। हमारे बाल रूखे दिखते हैं, फ्रिजी होते हैं और उसे टेम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी विंटर्स मैंने अपनी स्किन केयर हेयर केयर में एक प्रोडक्ट ऐड किया है, आई एब्सोल्युटली फॉलन इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड दैट इज़ द कॉस्मोफिक्स एंटी फ्रिज हेयर सीरम। अच्छी बात इस सीरम की ये है कि ये काफ़ी लाइट है। मैं जब भी अपने बाल धोती हूँ उसके बाद कंडीशनर सब रिमूव कर देती हूँ, ऑन वेट हेयर आई अप्लाई 1-2 ड्रॉप्स ऑफ दिस। तो इसे लेके मैं अपने फिंगर्स के बीच में स्ट्रोक करके आई पुट इट अलोंग द लेंथ ऑफ माई हेयर और जब मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं ऐसा लगता ही नहीं है मैंने अपने बाल में कुछ लगाया है, बट इट गिव्स मी अ स्मूदर शाइन। दूसरी बात यह है इस अच्छी इस प्रोडक्ट की कि मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे अच्छे हेयर सीरम्स जो आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव और प्राइसी होते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर यू गोना लव दिस प्रोडक्ट। कॉस्मोफिक्स एंटी फ्रिज हेयर सीरम मैं काफ़ी यूज करता हूँ मेल्स में भी, क्योंकि आजकल बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि फ्रिजीनेस रहती है, और खासकर हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब बाल आते हैं तो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े कर्ली दिखाई देते हैं, तो उनको सेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए। तो इस केस में भी जो कॉस्मोफिक्स एंटी फ्रिज हेयर सीरम है, तो ये आपके बाल जो है काफ़ी स्ट्रेटन अप कर देता है, स्मूथ कर देता है। दूसरा है कि ये एक शाइन दे देता है आपके बालों को, तो जो कि एस्थेटिकली भी काफ़ी प्लीजिंग है और आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बेस्ट टाइम इसको यूज़ करने का है आपके शॉवर के बाद, जब आप बालों को टॉवल ड्राई करते हो तब आप इसको लगाइए। तो वाइट टूथ कॉम से आप कॉम कर सकते हो, और अगर आप मेल हो तो आप एक सर्कुलर जो ब्रश होता है आप वो लेके इसको अपने बाल स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हो। एक और जगह जहाँ मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ वो ये है कि इस मौसम में जब हम अपनी डॉटर, हमारी बेटी है जो 2 साल की है, तो इस मौसम में हम उसे तेल लगाना प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है और बच्चों को ज़्यादा देर नहीं नहलाते हैं। तो आफ्टर आई हैव गिवन हर अ हेड शावर आई अप्लाई कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम ऑन हर हेयर टू रिहाइड्रेट देम, बिकॉज बच्चे कंडीशनर्स भी पसंद नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है बच्चों के लिए भी। तो ये थे हमारे 5 प्रोडक्ट्स विंटर्स में जो हमारे फेवरेट्स हैं। आपके क्या फेवरेट्स हैं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपका कोई डाउट है इन प्रोडक्ट्स को लेके तो डेफिनेटली वो भी आप हमसे पूछिए। हमारी डिटेल्स और हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।